जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त जहाज के अंदर बैठा हूँ और अब्रॉड जा रहा हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं किस मुल्क में जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा इस हफ्ते दूसरा टूर है। ये पहले मैं बार्सिलोना गया था, अब वहाँ से आके अब मैं किसी और मुल्क में जा रहा हूँ। ये देखिए जहाज के अंदर बैठा हूँ मैं। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि आपको पता है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे वो अभी तक जो है ना वो जारी है। आज 19 फरवरी हो गई और इंतखाबात जो है ना वो इलेक्शन कमीशन वो उसका रिजल्ट तैयार कर रहा है डेली बेसिस पे। जब तक पीटीआई को वो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर लेता, हरा नहीं लेता, उस वक्त तक रिजल्ट फाइनलाइज नहीं होंगे। और ये सारा काम जो है ना ये मैं खुल के बता रहा हूँ कि ये मिस्टर आसम मनीर और उसकी एजेंसियाँ ISI करवा रही है, सारे रिजल्ट वो मैनेज करा रही है। उन्होंने सारा कुछ मतलब इनको ROs को DROs को ये जितने भी इलेक्शन के थे मतलब वो करता था तो उन सबको उन्होंने खुद धमकियाँ दे के अगवा करके सारा मैनेज करके उन्होंने ये रिजल्ट जो है ना मैनेज किया। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि कह रहे हैं कि इन अफसरों ने ISI के जो अफसर हैं उन्होंने ठीक ठाक मतलब अरबों के हिसाब से उन्होंने पैसे लिए सिर्फ इस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए और नवाज शरीफ ने पैसा लगाया है। अब आज की जो खबर है ना वो कदरे खुशी की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है ना वो इस्लामाबाद की तीनों सीटों के रिजल्ट जो है ना जो नून लीग जीती हुई थी उनके वो उन्होंने टर्मिनेट कर दिए, सस्पेंड कर दिए। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। इमरान खान इंशाल्लाह विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो आपने एक मतलब मुहिम चलाई है इमरान खान के लिए, ये सारा उसका समर है, ये सारा उसका नतीजा है। तो अपनी मुहिम को हम जारी व सारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला इमरान खान शुड बी वज़ीर आज़म पाकिस्तान।